सही है। चलो ये पोटेंशियोमीटर सर्किट है, हम लोग पास प्यारे बच्चों सर्किट दे रखा है पोटेंशियोमीटर का, दैट इज सेट अप टू फाइंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल। कोई सेल है उसका हमें हम सबको पता है एक एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का, एक एप्लीकेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। अक्रॉस द सेल हैव ईएमएफ 2 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर हैज ईएमएफ 2 वोल्ट एंड ए सिंगल नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। पोटेंशियोमीटर इटसेल्फ 4 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड द बैलेंसिंग लेंथ गिवन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, बैलेंसिंग लेंथ जब आर इन्फिनिटी है तो बैलेंसिंग लेंथ 3 मीटर है, आर की वैल्यू 9.2 है तो बैलेंसिंग लेंथ 2.8 है रिस्पेक्टिवली। तो वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो पहले एक हम सर्किट बना लेते हैं जिससे आपको समझ में थोड़ा सा आ जाए। ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ये 2 वोल्ट है और यहाँ पर अगर इसका रेजिस्टेंस होता है तो वॉट एवर, और यहाँ पर एक की लगी होती है और ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, ठीक है। इस सर्किट को बच्चों बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। अब जब रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का डेरिवेशन हो रहा था तो यहाँ पर ये जो सर्किट थी वो एक सेकेंडरी सर्किट थी। इस सेकेंडरी सर्किट में एक प्लस माइनस ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर और ये एक बैटरी लगी थी जिसकी हमें ईएमएफ कैलकुलेट करनी थी यार, ठीक है। और यहाँ से एक अलग से रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा था और यहाँ पर एक की लगा होता था ऐसे और एक गैल्वेनोमीटर जी लगा के ऐसे बैलेंस करते, ठीक है। ये तो ये रेजिस्टेंस पहले केस में, अब अगर ये पहले केस में एक की ओपन है या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, बात बराबर है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि इधर कोई करंट जा ही नहीं रही है, करंट इसमें जीरो फ्लो हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें इनफाइनाइट ये वाला जो है, जो फर्स्ट टाइम अगर तुम देखे होगे तो फर्स्ट टाइम जब लेंथ L1 मिल रहा है, यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ L1 मिल रहा है तो ये वाली जो की होती है वो ओपन होती है। बैलेंसिंग लेंथ L1 मिल रहा है तो वो की ओपन होती है और इस R की वैल्यू फर्स्ट टाइम वो इन्फिनिटी है और बैलेंसिंग लेंथ 3 मीटर है। तो L1 इज इक्वल टू 3 मीटर जब की ओपन है, ओपन है या इनफाइनाइट है, बात बराबर है, ठीक है। अगेन जो L2 जब लेंथ है, L2 कितना मिला 2.85, ठीक है, 2.85 मीटर। जब जो ये वाला रेजिस्टेंस काउंट होने लगा और उस रेजिस्टेंस की एक फिनिट वैल्यू आ जाएगी 9.5 ओम, ठीक है। तो 9.5 ओम अगर इसकी वैल्यू आ जाएगी तो ये लेंथ L1 है, L2 है। तो इसकी डेरिवेशन पहले से हमें पता है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट इसका हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट फार्मूला। हाँ डायरेक्ट इसका फार्मूला है कि इंटरनल आप किए होंगे इंटरनल रेजिस्टेंस L1/L2 -1/r, ठीक है। ये L1 L2 में से कौन किससे डिवाइड करेंगे बोलो, L1 और L2 में से R निगेटिव नहीं होगा तो L1 वह लेंथ होता है जो बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, L2 वह लेंथ होगा जो कम होगा। आया बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 -L2/R, तो L1 -L2, L1 पहले जो है वो ज़्यादा लेंथ होगा, दैट इज 3 -2.85 और डिवाइडेड बाई L2 2.85 और मल्टीप्लाइड बाई मेन रेजिस्टेंस 9.5 ओम। अब ये फाइनली कैलकुलेट कर लेना, देख लेना ये कितना आ रहा है, और ये फाइनली ये कैलकुलेट कर लोगे तो ये फाइनली इसको कैलकुलेट कर लेना, ये 0.5 ओम आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बेहतर तरीके से, ये ज़्यादा डिफिकल्ट